को बुरा उन मिलाकर क्यों और बुरा बनाया, ये सब के पश्चात उन्होंने महाभारत की रचना जो साधारण रूप से सभी के समझ में आया। इस तरह से उन्होंने शास्त्रों को प्रणयन किया। इसके पश्चात नारद जी के उपदेश से सब शास्त्रों का सार निचोड़ कर श्रीमद् भागवत की रचना की। श्रीमद् भागवत ग्रंथ से इसका अध्ययन श्रवण पठन मनन करने से संसार का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है और सभी को अभी नहीं और प्रभु प्रभु बैठे बैठे सब पीछे वालों को दिखाने दे बैठे। तो इस प्रकार व्यास जी ने इन सभी ग्रंथों के पश्चात सबका सार निचोड़ कर उन्होंने श्रीमद् भागवत को बनाया जो 18,000 श्लोकों के और 12 स्कंद 335 अध्याय 100 उपाख्यानों के द्वारा श्रीमद् भागवत को विस्तार किया। इसलिए श्रीमद् कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी कहते पीवत भागवतम रसमालयम मुहुर रसिका भुवि भावुका। हे रसिक जन, हे भावुक जन, जो कोई व्यक्ति संसार में कृष्ण का भजन करते और कृष्ण की भक्ति करते थे, कोई शांत भाव से, कोई दास भाव से, कोई सखा की भावना से और कोई पुत्र की भावना से और कोई प्रियतम की भावना से भगवान का भजन करते, तो इसलिए बोले कि ऐसे जो रसिक जन है, भावुक जन, जो रसिक भक्त है, भागवत रस का पान करें और भावुक जो इस संसार में वास्तव सत्य का खोज करते हैं, वास्तव सत्य क्या है, रियलिटी क्या है, इसको जानने की इच्छा होती है, तो बोले उन सब के लिए एकमात्र भागवत ग्रंथ है। बोले कि हे रसिया, हे भावुकिया, निरंतर इस भागवत रस का पान करें। रसमालय रस का आलय, रस का भवन, जो पूर्ण अमृत रस है। नियम कल्प तरूर गलितम फलम श्रीमद् कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने वेदों का प्रपक्व फल सबका सार निचोड़ कर उसका जो पका हुआ फल है ये श्रीमद् भागवत रूप में प्रकाशित किया है। बोले कि यह श्रीमद् भागवत केवल इस जगत का ग्रंथ नहीं है, यहाँ की विद्या नहीं है, यहाँ की पुथी नहीं है, आया कहां से, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने भगवान की आराधना की, उस समय भगवान ने जो उपदेश दिया है उस उपदेश वाणी को भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, भगवान ने उपदेश दिया है इसलिए इसका नाम पड़ गया भागवत। तो गोलोक वृंदावन में उन्होंने उपदेश सुनाया और वही है जो कि श्रीमद् भागवत, इसलिए गोलोक धाम से अवतरित हुआ है ब्रह्मा आदि परंपरा में, जो कि नारद जी, व्यास जी, इसके पश्चात श्री सुखदेव जी, जो जीवन मुक्त पुरुष है सुखदेव गोस्वामी, माता के कोख में 12 वर्ष तक रहे, जन्म ग्रहण नहीं किया। जब व्यास जी ने कहा हे बालक तुम जन्म ग्रहण करो,
वे बोले कि यदि माया से मुझे कोई मुक्त कर दे तब हम जन्म लेंगे। तो बोले अच्छा, व्यास जी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें माया से मुक्त कर दूंगा, तुम आ जाओ। बालक बोले आप मुझे माया से मुक्त करेंगे? आप तो स्वयं माया में पड़े हुए हैं। बोले कैसे? बोले अपनी पत्नी को कष्ट हो रहा है इसलिए आपको दुख है। दूसरी बात, संतान का मुंह देखेंगे, लाड़ प्यार करेंगे, ये जो भावना आपके अंदर है तो संतान का मुंह भी तो आपके अंदर, तो आप कैसे मुझे माया से मुक्त करेंगे जब स्वयं माया में पड़े हैं। बालक इस बात सुन करके बैठ के बोले भारी ऐसा बालक ऐसी बात करता है? तो बोले अच्छा तुम किसकी बात मानेगा? बोले यदि स्वयं भगवान श्री कृष्ण आकर के बोले तो मैं मान लूंगा। उस समय बैठ जी द्वारका में गए, जाकर के कृष्ण से सारी बातों को निवेदन किया कि ऐसी ऐसी समस्या है घर की, आपको चलना होगा। तब कृष्ण भगवान कृष्ण रथ में बैठ करके बद्रिकाश्रम में आए वैश्य के पास। तो वैश्य को लेकर के उनके घर में आए, तो उस समय बेटी का माता सुखदेव जी, सुखदेव की माता बेटी का देवी आकर के भगवान को प्रणाम किया। उस समय व्यक्ति ने उनसे बातें की, हे बालक तुम्हारे सामने भगवान कृष्ण बैठे हैं, अब तुम उनसे बात करो। तब बालक कहता है प्रभु मुझे माया से मुक्त कर दे तब मैं जन्म लू। तो भगवान ने कहा ठीक है, माया तुम्हें कभी स्पर्श नहीं करेगी, माया से तुम चिरकाल के लिए मुक्त हो, जन्म लो अभी। तो साथ ही साथ वहीं पर भूमिष्ठ हुआ, होते ही हवा में फूलते रह गए, बड़े हो गए 12 वर्ष के बालक। खड़े होकर के भगवान को देखा, हाथ जोड़ करके स्तुति प्रार्थना की, प्रणाम किया, फिर प्रदक्षिणा की। बोले कि बारे बालक सुख पंछी की तरह बड़े मधुर कंठ से तुमने मेरी स्तुति प्रार्थना की। भगवान ने उनका नाम रख दिया सुखदेव। तब से सुखदेव गोस्वामी जो जीवन मुक्त पुरुष जंगल की ओर भाग गए थे, फिर व्यास जी ने उनको आकर्षण करके लाया, कृष्ण के गुणों में आकर्षित होकर आए। आकर के उन्होंने इतने बड़े ग्रंथ श्रीमद् भागवत का उन्होंने अध्ययन कर लिया और उस भक्ति रस में डूब गए, राधा जी के भाव में इतना डूब गए। राधा नाम उच्चारण मूर्छा सन्मास को भवि, जबकि राधा जी का नाम लेते ही उनको 6 महीने की मूर्छा हो जाती है, ऐसे सुखदेव जी महाराज। जबकि परीक्षित महाराज की सभा में जाकर के उन्होंने भागवत कथा सुनाई, 7 दिन 7 रात उन्होंने पूर्ण रूप से संपूर्ण भागवत सुनाया और उनको पार करा दी। तो ऐसे जो सुखदेव गोस्वामी बोले कि सुख मुखाद मृत द्रव समझुतम। सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद भागवत रस का आस्वादन किया, ये जो अमृत रसमय फल है इसलिए व्यास जी कहते पीवत भागवतम रसमालयम। इस भागवत रस का पान करें। संसार में जितने भी रस हैं उनमें कुछ न कुछ है, परंतु कृष्ण भक्ति रस में कोई डूब गया है, इससे बढ़कर श्रेष्ठ अमृत और कुछ नहीं, सर्वश्रेष्ठ अमृत है। तो इस भागवत रस का पान करें। इसलिए व्यास ने आग्रह किया, दूसरे श्लोक में उन्होंने कहा धर्म प्रोथित कैतवोत्र परम निर्मत शरणम सतम वेदम
वास्तव मात्र वस्तु शिवदम तापोत्रयन मूलनम। संसार में जितने भी धर्म हैं, जितने प्रकार के धर्म आप देख रहे हैं, मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म और कितने कितने धर्म हैं, भागवत में क्या बोल रहे हैं, धर्म प्रोच्छित गैतवो, जितने प्रकार के धर्म की बातें सुनने को मिलता है ये सभी कपट धर्म है, कोई वास्तव धर्म नहीं। और कोई वास्तव धर्म की आत्म धर्म की बात नहीं करता, सब छल कपट से भरा हुआ है, थोड़ा थोड़ा केवल नीति आदर्श अपनाते हैं और क्या है, हिंसा से भरा हुआ है। जो काम क्रोध लोभ मोह मद मस्त ईर्ष्या हिंसा विद्वेष से भरा हुआ है, तो इसमें वास्तव धर्म की कोई बात नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं संसार में जितने धर्म हैं ये सभी धर्म छल धर्म हैं, कपट धर्म हैं। इसलिए धर्म प्रोच्छित गैतव, यह धर्म जो है कैतव धर्म, कपट धर्म, वास्तव धर्म की बात नहीं। तो भागवत में कौन सी बात कर रहे हैं, निर्मत सरानाम सताम अत्र परमो धर्म कथित। जो निर्मत सर साधु है, जिनके अंदर में न कोई ईर्ष्या है, हिंसा है, विद्वेष है, शत्रुता, कुछ भी नहीं, इस प्रकार जहां हृदय खोल करके मन प्राण हृदय प्रभु के प्रति समर्पित हो जाए, ऐसे छल कपट शून्य जो निष्काम प्रेम धर्म है, उस प्रेम धर्म की बात श्रीमद् भागवत में वर्णन किया। इसलिए व्यास जी कह रहे हैं कि वेदम वास्तव मात्र वस्तु शिवदम। तो श्रीमद् भागवत में कौन सी बातें हैं, बोले कि वास्तव वस्तु की बातें, जो संसार में रियलिटी है, वास्तव तत्व, वो वास्तव क्या है, बोले संसार में जितना जो कुछ भी देखते हैं सभी तो नाशवान, परिवर्तनशील, विनाशी, परंतु इनमें वास्तव क्या है, भगवान, भगवान वास्तव तत्व है। और उनकी भक्ति जो हृदय में, भक्तों के हृदय में भावना है, वो भक्ति वास्तव तत्व है। और भक्त जो आत्मस्वरूप है, भक्त है, उनका कभी विघटन होता नहीं है, वो वे कभी मरते नहीं है, उनका कुछ भी नहीं होता है, वो आत्मा में प्रतिष्ठित है, इसलिए उनको कोई शोक नहीं, मोह नहीं, कष्ट नहीं। तो भक्ति, भक्त और भगवान, इन तीन विषयों में भागवत में वर्णन हुआ है। इस भागवत कथा को श्रवण करने से वस्तु शिवदम परम कल्याण करी, तापो त्रयन मूलनम, त्रिताप जड़ से उखड़ जाता है। बोले त्रिताप क्या है, आदि दैवी, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, देवताओं से जो कष्ट हो, पीड़ा उत्पन्न हो, कभी बाढ़ आ गई, बैंक असर, कभी सूखा पड़ गया, कभी लोग बीमार पड़ गए, तरह तरह की परेशानियां आती है, तो देवताओं से उत्पीड़न, फिर भौतिक जगत में रहते हुए पास पड़ोस मोहल्ला में, देश में, सभी जगह लड़ाई झगड़ा, विवाद, शांति कलह बनाता, तो भौतिक काम, ऐसे ही आध्यात्मिक यानी मानसिक अशांति, सब तरह से सब कुछ है, मन में शांति नहीं है, तो ये त्रिताप हम सबको लगेंगे। परंतु भागवत कथा श्रवण करने से
क्या होता है, सारा त्रिता उखड़ जाता है और जीवन में परम कल्याण उपस्थित होता है। इसलिए कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास करे महाश्रीमद्भागवते महामुनि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने श्रीमद भागवत शास्त्रों को बनाया। इसका पाठ करें, श्रवण करें, मनन करें, शोक मोह भया पहा, शोक मोह भय सब कुछ चला जाता है और भगवान के चरणों में अनंत प्रेम भक्ति लाभ होता है। इसलिए बोले किंग बापरई, दूसरे शास्त्रों में दूसरे धर्म में क्या प्रयोजन है, क्या आवश्यक है, क्यों हम भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं। बोले कोई जरूरत नहीं, केवल भागवत ग्रंथ का अध्ययन कर ले, संसार का संपूर्ण ज्ञान आपको बैठे बैठे मिलेगा, सारी कृष्ण की भक्ति मिलेगी। तो इसलिए बोलते हैं इन भागवत कथाओं को श्रवण करने से शब्द वृद्धि वरुद्धते अत्र कृति भी शुश्रूषो भी तक्षणा। बोले कि शब्द शब्द तक्षणा भगवान श्री हरि हृदय में आकर के बैठ जाते हैं, बन जाते हैं। इसलिए भगवान जो भक्तों के हृदय में आ जाते हैं, प्रणय रसनया दितांग्री पद बोल, भक्त भगवान को अपने प्रणय प्रेम प्रीति रूपी रस्सी के द्वारा बांध लेते। इसलिए भगवान भक्तों के हृदय को छोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं जाते। भी सृजति न हृदय यस्य साक्षात् हरिरित्यवसेना। बोले कि भगवान भक्तों के हृदय को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाते, सदैव हृदय में विराजमान होते। इसलिए भक्तों के हृदय में, और जो भक्त नहीं हो, जो जिसने भगवान का भजन नहीं किया, तो भी बोले कि भागवत कथा सुने, कृति भी शुश्रूषु भी, जब सुनेंगे तत्क्षणात् भगवान उनके हृदय में भी आ जाएंगे। ऐसे तो समस्त जीवों के वे अंतर्जामी हैं, परमात्मा हैं, और कोई व्यक्ति उनको भक्ति करे, भावना से पुकारे, प्रार्थना करे, तत्क्षणात् भगवान भक्तों के सामने प्रकट हो जाते हैं। जो जिस रूप में उनको पुकारते हैं उनके सामने वैसे आते हैं। तो इसलिए भगवान श्री हरि भक्तों के, अब भागवत का पहला श्लोक है, जन्माद्वसगतो नादितरत स्यार्थे सवेग स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि गवये मुझन्ति जसुरय तेजो बारे मेदाम जता विनिमयो यत्र त्रिसर्गोन्मृषा अहम् न स्वेन सदा निरस्तकुवकम् सत्तम् परम् धीमहि। जन्मात्रस्य विश्व संसार की सृष्टि, फिर उसकी स्थिति और संघार कौन करते हैं, कहां से होता है, बोले भगवान से। भगवान ही सृष्टि करता, पालन करता और संघार करता है। विश्व सृष्टि के प्रारंभ में पहली, जब संसार प्रलय समुद्र में डूबा हुआ है, कुछ भी नहीं बचा, न कुछ है, केवल प्रलय बारी
उस समय भगवान विष्णु कारण विष्णु शयन किए हुए हैं, अनंत सज्जा में पानी के ऊपर सोए हुए। लक्ष्मी जी ने उनका पाद संवाहन करते, लक्ष्मी जी पाद संवाहन करती रही। तो उस समय उनसे प्रार्थना की कि आप केवल सोते ही रहेंगे, जगना तो पड़ेगा, लंबा समय तक आप सो ही रहे। तो विष्णु जाग उठे, बोले कि क्या चाहती हो, क्या उद्देश्य है? लक्ष्मी जी बोली कोई विकास तो होना चाहिए, सृष्टि का विकास हो, जीवों का विकास हो, इसलिए भगवान ने कहा कि अच्छी बात है। तो अब क्या होता है, एक जल्दी होता। तो भगवान विष्णु तब उन्होंने लक्ष्मी जी की ओर देखा, देखने मात्र ही 24 देवता आ गए सामने प्रकट। तो इसको कहा जाता है दृष्टि सृष्टि। सर्वप्रथम जो सृष्टि हुई है वो दृष्टि सृष्टि, भगवान ने देखा और सृष्टि हुई। उस समय भगवान ने अपने ललाट से भ्रू के बीच में से ब्रह्मांड पिंड को प्रकट किया। ये 50 करोड़ योजन वाला ये विश्व ब्रह्मांड प्रकट हुआ। तब भगवान विष्णु ने एक अंश में गर्भोदशायी होकर उन देवताओं को, प्रकृति को, सबको साथ में लेकर इस ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश किया। इसमें आकर के कुछ समय तक सोते रहे। इसके पश्चात उनके नाभि से कमल निकला, कमल के नाल में 14 भुवन और उस कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। इस प्रकार ब्रह्मा जी को प्रकट कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने भगवान की आराधना की। उस समय भगवान कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिया और उपदेश दिया। तेरी ब्रह्म भेदाज आदि कवि, आदि कवि ब्रह्मा जी के हृदय में पेन आदि, और तेने ब्रह्म, ब्रह्म यानी वेद को उन्होंने प्रकाश कर दिया। तो उन वेद शास्त्रों के ज्ञान के द्वारा ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना की, प्राणियों के शरीर को बनाया, 84 लाख प्रकार की बॉडी बनाए, बना करके जीवों को इसके अंदर प्रवेश कराया। पूर्व कल्प के जितने जीव थे, जो कि संहार के समय में सभी समाप्त हो गए थे, उन जीवों को उनके कर्मों को देखते हुए फिर से संसार में प्रवेश कराया। तो इस प्रकार जीव संसार में आए, जन्मा 10 प्रजात। तो भगवान विष्णु ने संसार की सृष्टि रचना की। वे ही स्वयं क्षीरोदशायी विष्णु होकर अंतर्यामी परमात्मा के रूप में
सबके घट घट वासी बन गए, सबके अंतर्यामी परमात्मा है और सबको संचालन कर रहे हैं। जो कि हम अपने शरीर को भी चला नहीं सकते, जो भगवान स्वयं इस गाड़ी में बैठ करके ड्राइविंग कर रहे हैं, चला रहे हैं, तब हम एसी में रह करके चल रहे हैं, फिर रहे हैं। इस तरह से भगवान ने संसार की सृष्टि रचना की, फिर स्वयं क्षीरोत्साही विष्णु विश्व का पालन करते और अंत में प्रलय में संहार होता है, सारे विश्व संसार को समाप्त करके फिर अपने में समा करके सो जाते, तो सृष्टि स्थिति प्रलय होता है, जीव संसार में आते। परंतु अन्यादि तरह जीव तो आए संसार में, हुआ क्या, भूल गए। किस में भूल गए, बोले कि ये शरीर मैं, ये संसार मेरा है, मेरे खाने पीने भोग विलास के लिए ये संसार, सभी कुछ मेरा है, ये शरीर मैं, ऐसा अभिमान आ गया। ये अभिमान क्या है, यही है माया, अज्ञान। वास्तव में हम शरीर नहीं है, कोई भी हम शरीर नहीं है, शरीर हमारा है, मेरा सिर, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा शरीर। तो शरीर का कौन सा अंश मैं, कोई भी अंश तो मैं नहीं हूं, यहां तक कि मन जो है वो भी मैं नहीं हूं, मेरा मन, मेरी बुद्धि, बुद्धि भी मैं नहीं हूं, मेरी बुद्धि, मेरा अभिमान है, मेरा अहंकार है, तो कौन सा चीज मैं हूं, सभी तो मेरा हुआ। इस शरीर के अंदर में जो चैतन्य आत्मा, वही मैं हूं, परंतु इस शरीर को मैं मान करके हम लोग इसी झगड़े में प्रपंचवादी में पड़े, तो यही है। और संसार के वस्तु को हम अपनाते हैं कि इसके द्वारा हम सुखी होंगे, आनंद में रहेंगे, शांति मिलेगी, कुछ नहीं, तो यही है माया। भगवान जानते हैं जीव अनुचैतन्य है, अनुचैतन्य होने के कारण उनका ज्ञान जो है सीमित है, इसलिए वो भूल जाते हैं, माया में फंस जाते हैं। परंतु भगवान तो सराट है, अभिज्ञ है, वो जानते हैं। इसलिए जीवों के क्या होता है भाई, जीवों के उद्धार के लिए है, अरे मैं तो हाथ नहीं लगा रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा। तो इस प्रकार भगवान सब कुछ जानते हैं, तत्वज्ञ हैं, अभिज्ञता उनको है, जीवों के कल्याण के लिए वेद उपनिषद पुराण आदि शास्त्रों को उन्होंने प्रणयन किया, ब्रह्मा जी के द्वारा ये प्रकट हुआ, फिर ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया, अपने पुत्र पौत्र परिवार में सबको दिया, तो संसार में यह ज्ञान प्रकाशित हुआ है ना। तो ये ज्ञान आया, जिस ज्ञान को जानने में समझने में बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाया करते। तेज बारे में दम जता बिनी मायो, भगवान ने केवल एक जगत की सृष्टि नहीं, तीन जगत की सृष्टि की है।
बोले जिस जगत को हम देख रहे हैं इसको भौतिक जगत कहा जाता है, ये भौतिक जगत है, पांच भौतिक जगत, मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश, इन पांच तत्वों से बना हुआ ये भौतिक जगत है। ये जितना जो कुछ भी है सब कुछ मिट्टी का विकार है, यही परिणाम। और फिर पंचत में विलीन हो जाता है, इसलिए ये भौतिक जगत। दूसरा है भगवान का चित जगत, चिन्मय धाम, जो ब्रह्म धाम है, ज्योतिर्मय ब्रह्म धाम, उससे ऊपर शिवलोक, उससे ऊपर में वैकुंठ धाम, वैकुंठ धाम से भी ऊपर रामलोक, और रामलोक से ऊपर में है गोलोक धाम, गोलोक नाम ने निज धाम ने, भगवान का अपना धाम जो है उसे गोलोक धाम कहा जाता है, वो भगवान का लोक है, जिसमें गोकुल मथुरा द्वारका ये सभी कुछ है, जिसको श्वेत द्वीप कहलाता है, ये भगवान का धाम, वो चिन्मय धाम है। कभी उस धाम का विनाश नहीं होता, न परिवर्तन होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि रोग शोक वहां नहीं है। जैसे अग्नि है, बोले खानेंगे सब जगह, दीवार में अग्नि है, लकड़ी में है, कहीं भी घिसेंगे सब जगह अग्नि प्रकाशित हो जाएगी, परंतु ऐसे दिखने को नहीं मिलता। ऐसे ही भगवान का धाम क्या होता है भाई, तो भगवान का धाम जो है वो चिन्मय धाम, तो भगवान का धाम कभी विनाश नहीं होता है। नजत्र माया किमुता परे, जहां पर माया का कोई प्रवेश नहीं है, नजत्र काल विक्रम, जहां पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल से अति भगवान का धाम है, वो नित्य चिन्मय धाम। बीच में जो जीव है सभी अणु चैतन्य आत्मा है, वो जीव संसार में आते हैं यहाँ आकर के कर्म क्षेत्र में, जैसे जैसे जीवों का विकास होता है, जैसे जैसे उन्नति होती है, तब जीव आगे चलते हैं, ऊपर उठ जाते हैं। इसलिए भगवान ने ये दिखाया, जो हमारे आचार्य लोगों ने ये दिखाया कि चेतनता पांच प्रकार से, पेड़ पौधों में पहाड़ में भी चेतनता है, उनमें भी प्राण है, पहाड़ भी बढ़ते हैं और पेड़ पौधे तो हरे भरे है ही, फल फूल इत्यादि होता है, अतः उनमें भी प्राण है, परंतु उस प्राण के चेतनता के होते हुए भी वो आच्छादित है, उसको काटे पीटे मारे कुछ बोलेगा नहीं, कुछ नहीं कहेगा, उसकी उसका जो चेतन है ढका हुआ है, आच्छादित चेतन है। वैसे उससे आगे पशु पंछी इत्यादि है, उनको डर भय रहता है, प्यार करें तो सामने आ जाता है। तो इस तरह से इन पशु पंछियों में जो चेतनता है उसका और कुछ विकास हुआ है, अधिक विकास, पेड़ पौधों से भी अधिक विकास, इन पशु पंछियों से भी बढ़ करके चेतनता का विकास। जो आदिवासी मनुष्य है, जंगल में रहने वाले जंगली जातियों में खान पान रहन सहन जिनका सही नहीं, प्राणियों को मार करके खाते हैं, जंगल में रहते हैं, ऐसे जो मनुष्य है
भाई उनका विकास उन प्राणियों से भी बढ़ करके है अधिक है, अतएव उनको मुकुलित चेतन कहा जाता है। तो उनसे अधिक विकास जो ग्रामीण और शहरी सभ्यता में आए हुए जो पढ़े लिखे हैं, जो शिक्षित समाज के लोग हैं, जिनके अंदर विचार बुद्धि विवेक विकास हुआ है, तो इन लोगों को विकसित चेतन कहा जाता है। इनकी चेतनता का विकास हुआ है और इन लोगों में से जो कोई व्यक्ति भगवान का भजन करते हैं कि हम कहां से आए, हम कौन है, कहां से आए, कहां मुझे जाना है और हमारा कर्तव्य क्या है, इन विषयों को जो जानता है, विचार विमर्श करता है और उसी तरह से आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ते हैं, तो उनको कहा गया है कि पूर्ण विकसित चेतन है, उनकी चेतनता का पूर्ण विकास हुआ है। तो चेतनता का पूर्ण विकास हुआ है इसलिए पूर्ण विकसित चेतन। भागवत में इसी बात को कहते हैं कि लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवन्ति मानुष्यम् अर्थदाम अनित्यमपि यधीरः। बोले कि बड़ी सौभाग्य से ये मानव जीवन मिला। कैसे मिला? आज लोग इस मानव जीवन को खो बैठते हैं, इधर उधर नष्ट भ्रष्ट करते हैं। परंतु मनुष्य जीवन का कितना कीमत है कैसे समझेंगे? बोले लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवन्ति। बोले प्राणी होकर के, कीड़े मकोड़े होकर के, घास फूस होकर के जन्म लेना संभव है, ये अति सहज है। मनुष्य जीवन मिलना बड़ा कठिन है। बोले क्यों? साइंस के अनुसार एक एक मानव शरीर में 90 ट्रिलियन सोल्स दिखाया, यानी करोड़ों अरबों जीव एक शरीर के अंदर है, इतनी आत्माएं हैं। तो करोड़ों करोड़ों आत्माओं में से हमें भगवान ने जन्म दिया कि हम मानव कुल में आकर के जन्मे हैं। तो करोड़ों करोड़ों आत्माओं में से मुझको जो सुजोग मिला है और दूसरों को, तो कितना दुर्लभ है मनुष्य जीवन पाना। ऐसे मनुष्य जीवन को पा करके केवल खाने पीने भोग विलास में इधर उधर में बिता दें